ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, इस कपड़े से मैंने ये कुर्ती की कटिंग कर ली है। यदि आपको कुर्ती की कटिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से कुर्ती की कटिंग करते हैं ठीक उसी तरह से ये मैंने कर ली है। इसकी लंबाई कम थी तो ये मैंने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है, ये नीचे लगाने के लिए, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी लगाने के लिए ये मैंने कट कर लिया है। ये कपड़ा 8 इंच लेंथ का है। आपका कपड़ा जितना भी हो, जितना भी आपको इसमें जॉइंट लगाना है, आप उतनी लंबाई का कपड़ा ले सकते हैं। ठीक उसी तरह मैंने ये आस्तीन में भी जॉइंट लगाने के लिए ये दूसरे कलर का कपड़ा लगा लिया है। ये भी मेरा आस्तीन के लिए भी कपड़ा कम था तो ये मैंने 3 इंच लेंथ का लगाया है। आपको जितना भी लगाना है आप लगा सकते हैं, 4 इंच का भी लगा सकते हैं यदि आपकी आस्तीन का कपड़ा थोड़ा कम है। इस तरह से ये मैंने दोनों पार्ट में जॉइंट लगा लिया है। इसी तरह से ये मैंने आस्तीन में भी जॉइंट लगा लिया है, स्टिच कर लिया है। नेक आप किसी भी तरह का बना सकते हैं लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से नेक बनाना बताऊंगी। इसको हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड में कर लिया है, बराबर करके रखना है। जिस साइड ये हमारी क्लोज है इस साइड से हमें निशान लगाना है, 2 इंच और 2.25 इंच पर ये निशान लगाना है। यहाँ से हमें 6.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट से 1 इंच की दूरी पर ये पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से यहाँ से हम गोलाई बना देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है और ये जो हमने कट किया था इसको इस तरह से रख लेंगे। जिस साइड ये हमारी क्लोज है इसकी भी क्लोज है उसी साइड रखना है और इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें 2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, इस तरह से 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे 3.5 इंच या 4 इंच भी रख सकते हैं, मैं 4 इंच रख रही हूँ। और यहाँ से ये सीधी लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी सेप बन चुकी है। यहाँ पर हमें बहुत छोटा सा कट लगाना है, 1/2 इंच से भी कम का। और ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसकी हमें उल्टी साइड ऊपर रखनी है और इसको हमें इस तरह से रखना है। इसका भी हमें उल्टी साइड ऊपर रखनी है, इस कपड़े की भी, और इस तरह से रख करके
यहाँ पर, यहाँ से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमें बहुत छोटे छोटे कट लगाने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब हमें इसको इस तरह से पलट देना है। देखिए इस तरह से ये मैंने पलट दिया है। अब यहाँ से हमें बहुत थोड़ा सा, आधा इंच से भी कम, इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये स्टिच कर दिया है और यहाँ पर आप ग्रीन कलर के बटन लगा सकते हैं। कुर्ती रेडी हो गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।